सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। भिंड जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। चौंकाने वाली बात है कि स्कूल पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बराबर तैयार किया गया और बच्चों को पास कर अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया गया। शिक्षा अधिकारी की लचर कार्यप्रणाली दिखाने वाली यह स्कूल जिले के गौरमे तहसील के हरिक्षा घड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में करीब 120 छात्र पढ़ते हैं जो यहां पढ़ने के लिए लंबे समय से नहीं गए, लेकिन इन छात्राओं के शिक्षकों ने पास कर दिया और पास होने के बाद यह छात्र गांव से 3 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन स्कूल की यह अव्यवस्था ग्रामीणों से नहीं देखी और उन्हें लगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बताने के लिए ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को सारा किस्सा सुनाया। इसके बाद प्रशासन के हरकत में आया और मौके पर बीईओ, बीआरसी और संकुलन प्रचार पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस स्कूल की हालत भी ठीक नहीं है, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी गाजर घास उगी है और स्कूल का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं किया गया, जबकि स्कूल के मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए शासन अलग से राशि मुहैया करवाता है, लेकिन इसके बाद भी इस स्कूल का कायाकल्प नहीं किया गया। ये 1.5 साल से नहीं खुल रहा, 1.5 साल के करीब तक। कहाँ पढ़ने जा रहे थे? लिलोई पढ़ने जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल जाते हैं। ये स्कूल नहीं खुलता इसलिए पैदल पैदल जाते हैं। जब पानी बरस जाता है, फिर पानी बरस जाता है तो छाता लगा कर जाते हैं। परेशानी आ रही होगी वहाँ जाने। हाँ, कितने बच्चे जाते हैं ऐसे ही वहाँ? हाँ, पूरे गांव के बच्चे वहीं पर जाते हैं। नाम कुलदीप सिंह भदौरिया, मैं ग्राम पंचायत हरीछा के अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल गढ़ी हरीछा स्कूल पे खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ मैंने इससे संबंधित शिकायत मैंने जनसुनवाई केंद्र भिंड में दी थी आज से करीबन 10 दिन पहले। तो उसके बाद में बीओ साहब यहाँ जांच करने के लिए आए, तो उसके बाद में अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 3 टीचरों की यहाँ पर पदस्थ किए गए हैं, अस्थायी टीचर हैं, मतलब इस व्यवस्था में रखे गए। और इसके बाद में जो 18 महीने पे फरवरी 2022 से लेकर हमारा स्कूल करीबन 15 जुलाई 2023 तक पूर्ण रूप से बंद रहा है, इसके संबंधित ही मैंने आवेदन वहाँ पे कलेक्टर साहब को दिया था जनसुनवाई में। और अभी माध्यान्ह भोजन की मैं शिकायत, उसके साथ माध्यान्ह भोजन की भी शिकायत कर रहा हूँ। तो ये मैंने आवेदन अभी BRCC को दिया था। 1.5 साल से स्कूल बंद है, ना स्कूल खुल रहा है, माध्यान्ह भोजन बराबर चल रहा है और शिकायत, हाँ, कागजन में बराबर चल रहा है, आज भी बराबर बच्चों की चल रही है, लेकिन खाद्यान्न मिल नहीं रहा है। अभी तक पता ही नहीं 1.5 साल का खाद्यान्न कहाँ चला गया। अब इनसे अधिकारी आए हैं, उनसे अपनी कार्रवाई करो वो ये बोल देते हैं, अपनी कार्रवाई करना, अपनी कार्रवाई करो। इस स्कूल में वो एक बार शराब की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, बताया? हाँ, पकड़ी गई थी। तभी से बंद है क्या? हाँ, तभी से बंद है। तो सर जी हम पता नहीं है, हमसे तो मैंने कह देती कि पैसा नहीं आए, खाना नहीं आया, हमका क्या बना मम तुम पे, हम बनाते ही नहीं थे, हम आते ही नहीं है, फिर ना बोलती ना थी, हम आता ही नहीं है कि सर हम तो चल नहीं पाते हैं, और यहाँ आ जाते हैं तो लौट के वापस जा देते हैं, जब ऐसे आते नहीं है फिर हम। यहाँ मिडिल स्कूल है, ये पिछले 1.5 साल से बंद है। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक टीचर को डिटेल कर दिया था, वो भी स्पॉट टीचर था, तो वो सिर्फ आता है रजिस्टर में हाजिरी दे भर के और चला जाता है। माध्यान्ह भोजन भी आ रहा है 120 लड़कों का, जो आज तक न तो बच्चों को खिलाया गया और न ही आया यहाँ। तो गांव वालों के सभी को है की तरफ से है शिकायत कि जितना भी ये हुआ है इसमें घोटाले या वो, तो सभी को रिकवरी की जाए। माध्यान्ह भोजन जितने भी समूह है उनसे स्कूलों में स्कूल पर और जितना भी होगा वो स्कूल में लगाया जाए। आज की स्थिति ऐसी है, जितने भी अधिकारी आए हैं, एक महिला है हमारे यहाँ जो कर्मचारी खाना बनाने वाली, उसको 1 साल से 1.5 साल से उसको पेमेंट नहीं मिला, उसका पेमेंट भी पड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से, इसको संज्ञान में लें और जो भी इसमें दोषी हों उस पर उचित कार्रवाई की जाए। जितनी भी गरीब महिला हैं उनको भाई जो माध्यान्ह भोजन कौन चलाता है, समूह चलाने का गरीबों का होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग समूह चला रहे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है, तो ये सरकार को देख के संज्ञान में लेना चाहिए।
सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन, ओल्की इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर,